इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट किसे कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को जाना। आइए किसी भी कर्व के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देर आर द टू डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा या मिनिमा किसी कर्व का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसे देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यदि हमारे पास कोई कर्व है, कंडीशन हम लेते हैं, ये पैटर्न का कर्व ले रहे हैं, मीन्स ऑफ दैट इज जो कर्व रख रहा है वो मैक्सिमम पॉइंट रख रहा है, मैक्सिमम पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। जो y की वैल्यू जो आ रही है वो f ऑफ क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, c आएगी। ओके तो जब हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया, जब भी कोई कर्व मैक्सिमम पॉइंट जिस पॉइंट पे रख रहा है वहां पे जो ड्रॉ, अगर हम कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या आई थी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आया था, जीरो। ओके तो सबसे फर्स्ट यदि हमें कोई कर्व अगर गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, तो हम सबसे फर्स्ट उसका स्टेप करेंगे, dy अपॉन dx इज निकालेंगे और इक्वल टू जीरो पुट अप करेंगे। फिर उस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट x इज इक्वल टू सी वन और सी टू की वैल्यू मिल जाएगी, जहां पे हमारा जो कर्व होगा dy अपॉन dx क्या रखता होगा, जीरो रखता होगा। ये जो सी वन एंड सी टू जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम डिफाइन करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, आर क्रिटिकल पॉइंट्स, आर टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, आर क्रिटिकल पॉइंट्स, आर टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद या टर्निंग पॉइंट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में देखेंगे। सेकेंड स्टेप में देखिए, ये हमारी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू क्या हुई, सी। अब एट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच, यहाँ पे सी नेक्स्ट नेबरहुड पॉइंट्स ले रहे हैं। एट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एच पर अगर हम कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करें, एट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस वन पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो इंक्लाइनेशन आ रहा है, जो थीटा आ रही है, व्हेन जब कर्व मैक्सिमम पॉइंट रख रहा है, उस कंडीशन की बात करते हैं। कर्व मैक्सिमम पॉइंट कहाँ रख रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। ओके तो एक्स जैसे ही कर्व इस यहाँ पर इस वैल्यू पर बात करते हैं सी माइनस एच पे, जो ड्रॉ की गई टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन आ रहा है, इंक्लाइनेशन किसके बीच में आ रहा है, जीरो से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। ओके इंक्लाइनेशन जीरो से 90 डिग्री के बीच में आएगा तो टेन ऑफ थीटा आने वाला है m, m मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, आपकी पॉजिटिव आने वाली है। सेकेंड यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे अगर इसके जब मैक्सिमम पॉइंट है जिस पॉइंट से उसे थोड़ी बड़ी वैल्यू पर बात करते हैं, सी प्लस एच पर अगर आप बात करें, एट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच पर, सी प्लस एच पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो ड्रॉ की जो टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन आने वाला है, थीटा की जो वैल्यू होने वाली है वो मोर देन क्या होने वाली है, 90 होने वाली है। तो एट सी प्लस एच पर जो डीवाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, इट मीन्स टेन ऑफ थीटा जो आएगा, इट मीन्स एम जो आएगा वो क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। ओके तो इसी के बेस पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को डिफाइन करते हैं फॉर द मैक्सिमम पॉइंट के लिए। मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हम डीवाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, देन उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू सी वन और सी टू जो हमारे आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द कर्व आएंगे, या टर्निंग पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कर्व आएंगे। सेकेंड स्टेप में हम फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू सी वन के लिए चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू सी वन के दो पॉइंट पर, सी वन माइनस एच और सी वन प्लस एच पर डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पे भी dy अपॉन dx की वैल्यू को चेक करेंगे। इफ dy अपॉन dx की वैल्यू फर्स्ट c माइनस एच पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, और c प्लस एच पर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव। मीन्स अगर dy अपॉन dx की जो वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो, पॉजिटिव से कहाँ पे चेंज हो, निगेटिव चेंज हो, तो कर्व जो रखता है वो कौन सा पॉइंट रखता है, मैक्सिमम पॉइंट रखता है। फर्स्ट स्टेप dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, फिर ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए मैक्सिमम मिनिमा चेंज चेक करते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट में उस सी वन से थोड़ा छोटा कोई वैल्यू को लेंगे, सी वन से थोड़ी बड़ी कोई वैल्यू लेंगे। यदि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव चेंज होता रखता है तो मीन्स कर मैक्सिमम पॉइंट रखता है। सेकेंड देखते हैं मिनिमम पॉइंट कर की कंडीशन क्या होती है। वैसे ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी लगेगा, अभी जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझ रहे हैं हम इसे। यहाँ पे देखिए पहले मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट वही सेम कंडीशन लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू
एफ ऑफ सी पर जो एफ डैश सी आने वाला है वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। और फिर एफ डैश सी से एट एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे पॉइंट है हमारा सी, यहाँ पे सी माइनस एच, यहाँ पे सी प्लस एच, नेबरहुड पॉइंट्स ले रहे हैं ये। नेबरहुड पॉइंट्स मतलब बहुत नियर एंड डियर है, अभी दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा दूर लिया मैंने। अब सी माइनस एच पर अगर हम इंक्लाइनेशन निकालें तो सी माइनस एच पर जो इंक्लाइनेशन आने वाला टेन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली, निगेटिव आने वाली है। और सी प्लस एच पर अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, सी प्लस एच पर एट एक्स इज इक्वल टू, ये सी प्लस एच है, सी प्लस एच पर इंक्लाइनेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व के लिए कंडीशन हमारी क्या बन रही है, मिनिमम फॉर द मिनिमम पॉइंट के लिए फर्स्ट कंडीशन बनेगी कि डीवाई अपॉन डीएक्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ये ड्रॉ की गई जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो डीवाई अपॉन डीएक्स क्या होगा, जीरो होगा। उससे हम एक्स इज इक्वल टू सी वन और सी टू डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, एंड क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद सी वन से थोड़ी छोटी और सी वन से बड़ी थोड़ी वैल्यू पर अपने फंक्शन के डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर C माइनस एच पर बात करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव, और C प्लस एच पर बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मीन्स एट द मिनिमम पॉइंट पे जो कर्व के जो डीवाई अपॉन डीएक्स की जो वैल्यू चेंज होती है वो निगेटिव से कहाँ चेंज होती है, पॉजिटिव। अगर इस प्रकार की कंडीशन अगर रखता है कर्व तो हमारा कर्व कौन सा पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट पैटर्न और देखते हैं, मैक्सिमम के लिए देख लिया, मिनिमम के लिए देख लिया, उसको हम कंपेयर अभी थोड़ा सा पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट देखते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ द कंडीशन। टर्निंग मतलब कर्व ओनली अपने कर्व के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे देयर आर द टू टर्निंग पॉइंट ऑफ इस कंडीशन में होगा। इसमें तो डीवाई अपॉन डीएक्स अगर निकालेंगे तो डीवाई अपॉन डीएक्स क्या आने वाला है, जीरो। यहाँ भी डीवाई अपॉन डीएक्स क्या आने वाला है, आपका जीरो आने, मतलब समटाइम्स जो कर्व जो रखता है ना मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना मिनिमम वैल्यू रखता है, बट टर्निंग पॉइंट रखता है। जैसे यहाँ पे C माइनस, ये C1 माइनस एच है, ये C1 प्लस एच है, ये C1 माइनस एच और ये C1 प्लस एच। इस पॉइंट पर अगर हम कर्व के इंक्लाइनेशन को निकालें और इस पॉइंट पे भी हम कर्व के इंक्लाइनेशन को निकालें, इन द बोथ पॉइंट पे जो इंक्लाइनेशन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी इंक्लाइनेशन निकाल रहे हैं और इस पॉइंट पे भी इंक्लाइनेशन निकाल रहे हैं, तो बोथ पॉइंट पे इंक्लाइनेशन क्या आ रहा है, लेस देन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मीन्स इफ कंडीशन देखिए, टर्निंग पॉइंट के लिए कंडीशन क्या बन रही है आपकी, डीवाई अपॉन डीएक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू जो हो रही है सी वन माइनस एच या सी वन प्लस एच पे जा रहा है, या तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव से कहाँ जा रही है, नेगेटिव जा रही है। तो ये दोनों कंडीशन कौन सी किसके लिए बन रही है आपके, टर्निंग पॉइंट के लिए बन रही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम इसको डिफाइन करते हैं, कर्व का टर्निंग पॉइंट जहाँ पे कर्व रखता है इसको हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब इन तीनों कंडीशन जो अभी अपने समझा उसको कंपाइल करते हैं। यदि तो फर्स्ट जो कंडीशन अगर डिफाइन करें तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो कर्व है, मैक्सिमम पॉइंट सबसे फर्स्ट लिखेंगे अपन, फॉर द मैक्सिमम पॉइंट फर्स्ट डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू सी पे, सी से थोड़ी छोटी वैल्यू और सी से थोड़ा बड़े वैल्यू पर डीवाई अपॉन डी एक्स यदि पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो कर्व मैक्सिमम पॉइंट रखेगा। सेकेंड मिनिमम पॉइंट फर्स्ट निकालेंगे डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिससे हमें एक्स इज इक्वल टू सी मिलेगा। अगर इफ सी माइनस एच और सी प्लस एच पर डीवाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो कर्व कौन सा रहेगा, मिनिमम पॉइंट रखेगा। ओके और इफ थर्ड कंडीशन, इफ टर्निंग पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं, टर्निंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, इफ डीवाई अपॉन डी एक्स आपका इक्वल टू जीरो आए जिससे हमें एक्स इज इक्वल टू सी मिले, और सी माइनस एच पर और सी प्लस एच पर अगर हम डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू उसको निकालना चाहें तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जाए या निगेटिव से निगेटिव जाए तो हमारा कर्व जो रखता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और टर्निंग पॉइंट रखता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जिससे बहुत इजीली वे में आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं अपन, फाइंड द लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द कर्व आपसे कह रहा है। कर्व की इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस
3x plus 3। क्वेश्चन इज गिवन हियर, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप f(x) = 0 करना है हमें। तो डिफ्रेंशिएशन 3x² - 3 = 0, इट मीन्स फैक्टराइज करते हुए x के लिए सॉल्व करिएगा जो हमें x = c की वैल्यू देगा। एक बार 1 आएगा, एक बार -1 आएगा। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द कर्व निकले। ओके, अब सबसे फर्स्ट अपन x = 1 के लिए लेते हैं। एट x = 1 पर एक थोड़ा x से एकदम क्लोज वैल्यू को लीजिए जो उससे थोड़ी छोटी हो और उससे थोड़ी क्या हो, बड़ी हो। तो ये 0.9 और 1.1 को अपन सेलेक्ट करते हैं। 0.9 एंड 1.1, तो 0.9 एंड 1.1 पर हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, dy/dx की वैल्यू को चेक करेंगे। तो हियर द dy/dx विल बी इक्वल टू, फैक्टराइज पैटर्न में लिख लीजिएगा, x - 1 एंड x + 1। हमें केवल उसके साइन को देखना है, ना कि उसकी वैल्यू को निकालना। अब 0.9 यहाँ पे पुट करिए, 0.9 - 1 करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो dy/dx आने वाला है वो 3 times ऑफ एक निगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि 0.9 - 1 करेंगे निगेटिव, और 0.9 + 1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। मीन्स माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस साइन आ रहा है। नेक्स्ट 1.1 पर यहाँ पे रखो, 1.1 में से जब माइनस ऑफ 1 करेंगे तो ये जो dy/dx आपके पास जो आने वाला है वो कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। 1.1 + 1 भी करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। मीन्स ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव। मीन्स एट x = 1 पे dy/dx 0 हुआ, 1 से थोड़ा छोटा और 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर जब हमने फंक्शन की वैल्यू को चेक किया तो वो निगेटिव से कहाँ जा रहा है, dy/dx पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो इफ dy/dx निगेटिव से पॉजिटिव की ओर टर्न करें तो हमारा कर्व कौन सा पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट रखता है इस पर। मतलब x = 1 और y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे कर्व में पुटअप करते हुए, 1³ - 3 times of 1 + 3 मीन्स 1 - 3 + 3 कैंसिल हुआ। तो 1 और -1 जो कर्व के हैं वो कर्व के कौन से पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, और कर्व की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, y = 1। ओके, एंड नाउ अब x = -1 पर हम कर्व की वैल्यू को क्या करते हैं, चेक करते हैं। x = -1 पे कर्व की वैल्यू को अगर हम चेक करें, एट x = -1 पे भी, क्योंकि dy/dx आपके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, -1 आपके पास यहाँ पे है। -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लीजिएगा, -1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, -1 ये जो छोटी वैल्यू -1.1 और थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी -0.9। ओके, अब dy/dx की वैल्यू चेक करते हैं। dy/dx की वैल्यू -1.1 पर, एंड dy/dx की वैल्यू कहाँ पे चेक करेंगे अपन, -0.9 पर। फिर अगेन हमें फंक्शन के dy/dx का इस पॉइंट पे आंसर नहीं निकालना है, केवल वैल्यू को चेक करना है। ओके, तो -1.1 यहाँ पे रखिए, तो ये 3 times of -1.1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आने वाली निगेटिव। -1.1 + 1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। ये पूरा साइन क्या हो जाएगा आपका पास, कंप्लीट साइन पॉजिटिव। अब यहाँ पे -0.9 पे चेक करता है, -0.9 पे आप चेक करेंगे तो -0.9 - 1 - -0.9 + 1 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, प्लस। कंप्लीट साइन क्या आने वाला है आपके पास, निगेटिव। मीन्स जो कर्व है वो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, निगेटिव रख रहा है, जा रहा है। मीन्स जो dy/dx इफ पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो कर्व का कौन सा पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। मीन्स कर्व जो एट x = -1 पे क्या रखता है, मैक्सिमम पॉइंट रखता है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व निकालने के लिए y गिवन फंक्शन पे हम पुट अप करेंगे तो -1³ 3 times of -1 + 3 दैट इज -1 - -++3 + 3 + 3 + 3 = 6, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, 5, एट विच पॉइंट, -1। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो किया। तो ये जो 1 और = 0 रखने पर 1 और -1 ये कर्व के टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट्स आए। एट x = 1 पर अब 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू और 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज पर
हमने डी वाई अपॉन डी एक्स के साइन को चेंज ओनली देखना है, साइन क्या आ रहा है। जब 0.9 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कंपाइल करेंगे साइन तो निगेटिव, मीन्स निगेटिव से पॉजिटिव साइन अगर चेंज करता है तो मिनिमम पॉइंट, अगर पॉजिटिव से निगेटिव, फिर माइनस वन पे भी सेम कंसिडर कर लिए, माइनस वन से थोड़ा छोटा वैल्यू ले लीजिए, माइनस वन से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, माइनस 0.9, तो हमारा जो कर्व कहाँ से जा रहा है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो साइनिंग चेंज हो रही है, पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो रही है, निगेटिव। मीन्स कर्व इस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट रखता है, मैक्सिमम पॉइंट रखता है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कर्व आपकी क्या आई, 5 आई। और एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन, एंड फंक्शन इज गिवन हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। तो सबसे फर्स्ट हम इसका एफ डैश निकालते हैं, व्हाट इज एफ डैश, x 3 टू जो 6 ऑफ x² 6 टू जो 12 ऑफ x प्लस ऑफ 6। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा हमें, 0 0 करते हुए फैक्टराइज करते हुए x के लिए सॉल्व करेंगे, तो 6 टाइम्स ऑफ x² माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, 1। ओके, x इज इक्वल टू 1 आया तो ओनली 1 क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व का केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपका आया एट 1 पर। अब हमें फंक्शन को चेक करना है, 1 से ये 1 है आपका, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू ले लीजिएगा, 1 से थोड़ा बड़ा, फिर मतलब 0.9 ले लेते हैं, 1.1 कंसिडर, जो कि 1 से क्लोज हो, ऐसी वैल्यू को आपको चूज करना है। 0.9 एंड 1.1 पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को चेक करिए। अब एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया, इट इज 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 टाइम्स ऑफ 0.9 करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि एक स्क्वायर क्वांटिटी है। और सेकेंड अगर हम एट 1.1 पे भी निकालना चाहेंगे, 1.1 पे निकालेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ 1.1 माइनस 1, ये भी वैल्यू क्या आने वाली, पॉजिटिव। मीन्स पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है फंक्शन, पॉजिटिव में जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 पर एक कैसा पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें भी वही किया, फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एफ डैश एक्स को 0 किया, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द कर्व निकाला, एट एक्स इज इक्वल टू 1 आया, 1 से छोटे पर 1 से एक बड़ी वैल्यू, क्लोज वैल्यू लिया जो कि 1 से थोड़ा क्लोज है, उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को चेक किया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है हमारे फंक्शन की वैल्यू। मीन्स इस कर्व पे या पॉजिटिव से पॉजिटिव जाए या निगेटिव से निगेटिव जाए तो कर्व कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ओके, तो मीन्स हमने आज क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बेस पे क्या पढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट के लिए, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव, याद रखिए बहुत आसानी से याद रहेगा। बाकी डी वाई अपॉन डी एक्स तो तीनों में कंडीशन में आपको 0 रखना है, और तीनों कंडीशन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। फर्स्ट मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव, और मिनिमम के लिए कहाँ पे जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, और टर्निंग पॉइंट के लिए कर्व क्या आएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव या निगेटिव से निगेटिव। तो इफ ए कर्व क्रिटिकल पॉइंट्स के पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट रखता है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव चेंज होती तो मिनिमम पॉइंट रखता है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से पॉजिटिव या निगेटिव से निगेटिव जाती है तो कर्व पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रखता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।